लोकसभा से पहले केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी। नई दरें शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में संशोधन करने का फैसला किया गया। इस फैसले को लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा, ये 2 रुपए में क्या होता है, चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने 2 रुपए कम कर दिए। पहले लाखों करोड़ों रुपए जनता के पॉकेट से वसूले है तो उसका क्या। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो गैस सिलेंडर 400 रुपए थे और अब 1100 रुपए है, अब 2 रुपए कम कर दिए हैं। लोकसभा से पहले केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी। नई दरें शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में संशोधन करने का फैसला किया गया। इस फैसले को लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा, ये 2 रुपए में क्या होता है, चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने 2 रुपए कम कर दिए। पहले लाखों करोड़ों रुपए जनता के पॉकेट से वसूले है तो उसका क्या। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो गैस सिलेंडर 400 रुपए थे और अब 1100 रुपए है, अब 2 रुपए कम कर दिए है।